नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल अपने दूसरे दिन के दौरा कार्यक्रम के दौरान दीक्षांत समारोह में शामिल होने के बाद सीधे राजनिवास पहुंचे, जहां सैनिक स्कूल जाकर भ्रमण किया। महामहिम ने सैनिक स्कूल परिसर में 1971 के युद्ध में शामिल विमान का अनावरण किया। वहीं शहीद वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान हमीरपुर हमले में विद्यालय के छात्र रहे विप्लव त्रिपाठी को भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए आपको दिखाते हैं महामहिम के सैनिक स्कूल भ्रमण की कुछ झलकियां और सुनाते हैं उन्होंने अपने उद्बोधन में क्या कुछ कहा है। आपसे मिलने के बाद हम शिक्षा मंत्री ने ज्ञापन दिया श्रीमान जी, जो आप यहाँ पधारे हमें आज गर्व हृदय से अहोभाग्य बड़े हमारे त्रिपाठी एवं उसके परिवार ने देश सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया है। इस विद्यालय द्वारा सेना के उच्च पदों पर 7 लेफ्टिनेंट जनरल, 3 वाइस जनरल, 7 मेजर जनरल, 2 एयर वाइस मार्शल और 1 रियर एडमिरल आदि सेना नायक प्रदान किए गए। वर्तमान में रक्षा मंत्रालय में मदद सचिव एवं सैनिक स्कूल सोसाइटी के ऑनरी सेक्रेटरी श्री सतीश सिंह बघेल भी इसी स्कूल के पुराने छात्र हैं। विंध्य प्रदेश के एकमात्र सैनिक स्कूल होने के नाते विगत वर्षों में सैनिक स्कूल रीवा ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। सत्र 2018-19 में विद्यालय के 18 कैडेट्स ने राष्ट्रीय सेना अकादमी को ज्वाइन कर इस कार्यक्रम में उपस्थित लोअर वाइस मार्शल आलोक शर्मा जी, कर्नल राजेश नैजा जी उपस्थित, अधिकारीगण, सेना के अधिकारी एवं ऊपर वाले बच्चे बोलते हैं क्या है? वंदे मातरम। हम सब प्रधानमंत्री जी के प्रति आभारी हैं। बालिका के बारे में यहां मेरे को एक निवेदन भी दिया गया है, उसके लिए व्यवस्था के लिए मैं प्रयत्न भी कर रहा हूं। जल्दी अपना जो काम है वो जल्दी कैसे पूर्ण हो ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। कार्यक्रम में उपस्थित विद्यालय की छात्राओं
को वर्दी में देखकर गौरव भी अनुभव कर रहा हूं। मैं गुजरात के अभी मेरा परिचय दिया हूं, मेरे पर कभी पहले से जब भी मैं राज्य प्रधान बना तभी से कैबिनेट के बाद में जब भी मेरे पास ट्राइबल वेलफेयर था तभी एक सूर्या फाउंडेशन करके हरियाणा के जयप्रकाश जी के 12 पूर्व छात्रों को वीरता का पुरस्कार से सम्मानित हुए अभी हमको बताया और विद्यालय के 100 से अधिक सैन्य अधिकारियों ने देश सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया है। जब भी कोई माँ का बच्चा देश के लिए बलिदान देता है तो माता पिता बहुत गर्वान्वित होता है, फिर भी अपना बच्चा जाएगा तो स्वाभाविक दुख तो होता है, मगर मेरा बेटा राष्ट्र के लिए समर्पित हो गया उससे वो गर्वान्वित भी इतना ही होता है। मैं अभी हाल में ही 13 नवंबर को देश सेवा में बलिदान देने वाले कर्नल विप्लव त्रिपाठी परिवार सभी सभी वीर सपूतों और शहीदों को नमन करते हुए उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सबके लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को मजबूत विश्व शक्ति के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने सबके विश्वास सबके साथ और सबके प्रयत्नों से सभी का हार्दिक अभिनंदन करता। राष्ट्रभक्त और राष्ट्र प्रेमियों के निर्माण केंद्र की इस पवित्र धरा ऊपर उपस्थित होकर मुझे अत्यंत हर्ष और गौरव की अनुभूति हो रही है। जहां से राष्ट्रभक्ति का स्रोत निकलता है ऐसे स्थान पर कोई भी अगर आए तो उनको बहुत आनंद होता है, स्वाभाविक बात है। मैं ऐसे भोपाल में भी कार्यक्रम में गया, वहां जाते ही अपने को राष्ट्र प्रेम जो मिट्टी में पड़ा हुआ है हर रोज आप जैसे कह रहे, वहां जो जो सारे दिन प्रवृत्ति कर रहे हैं उसमें से भाव निकलता है कि जहां मेरा जन्म हुआ है, मेरा लालन पालन हुआ है और माता के लिए जीवन में हम ऐसा कुछ कर जाए कि जैसे भारत माता का उन्नत मस्तक रहे, ऐसी जहां जहां धरती है या तो स्कूल है, कोई प्रशिक्षण है, कॉलेज है, मगर वहां जाने में हमको आनंद रहता है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।